दोस्तों स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी A31 जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है और जल्दी दोस्तों आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्या ये मोबाइल बजट प्राइस में आने वाला है और ये बेहतर होगा हमारे लिए या फिर दोस्तों एम सीरीज जो कि सैमसंग की बेहतर चल रही है ऑनलाइन मार्केट में, क्या हमें वो खरीदना चाहिए, फिर सैमसंग का गैलेक्सी A31 का वेट करना चाहिए ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात की जाए सैमसंग A31 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, तो 6.4 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा, प्लास्टिक यूनि बॉडी है, प्लीसी की तरफ दोस्तों ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जो कि कलर वेरिएंट है बिल्कुल डिसेंट देखने को मिलेंगे, प्लेन कलर देखने को मिल जाते हैं। अब बात की जाए कैमरा सेटअप्स की, तो पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है, आगे की तरफ दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है जिसमें आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलेगी, छोटी सी नॉच मिल जाती है। नॉच के अंदर दोस्तों 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ दोस्तों कैमरा सेटअप्स की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है 2.0 एपर्चर के साथ, जो कि बहुत ही बेहतर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर फोटोग्राफ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात की जाए तो सेल्फी की, तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो कि बहुत ही बेहतर है। तो सेल्फी के मामले में कैमरा के हिसाब से बहुत ही अच्छा मोबाइल है। AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ दोस्तों प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन करता है सैमसंग। बात की जाए दोस्तों इस मोबाइल के प्रोसेसर की, तो इसमें मिलने वाला है MediaTek का Helio P65 जो कि एक पुराना प्रोसेसर है, पर दोस्तों सैमसंग इसमें यूज करने वाला है MediaTek का Helio P65 जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों गेमिंग के हिसाब से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, पर पुराना प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर यूज करना चाहिए था। अभी जी सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है MediaTek की, तो इसमें MediaTek का जी सीरीज यूज करनी चाहिए थी, पर सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है वो हम कुछ भी कह नहीं सकते, पर आपको इसमें 65 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि गेमिंग के हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, साथ ही साथ डेली यूजर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों इस मोबाइल के बैटरी की, तो इसमें 5000 एमएच की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, 15 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, तो बैटरी आराम से आपको एक दिन का बैकअप देखने को मिल जाती है, साथ ही चार्ज अच्छे से कर जाएगा, फास्ट चार्जर आपको साथ में मिलने वाला है। एंड्रॉइड 10 के साथ आने वाला है, सैमसंग के One UI 2.0 के साथ आने वाला है, जो कि बहुत ही स्मूथ है और आपको चलाने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। मैंने दोस्तों पर्सनली यूज करके देखा है, बहुत ही अच्छा और स्मूथ देखने को मिल जाता है इंटरफेस। अब बात करें दोस्तों इस मोबाइल के प्राइस की, तो चाइना के अंदर दोस्तों ये 12 से 15 हजार की प्राइस में लॉन्च हुआ है। अब इंडिया में ये क्या प्राइस के साथ लॉन्च होता है अभी तक कुछ पता नहीं है दोस्तों, पर उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 15 हजार के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग की एम सीरीज के इसी प्राइस में आपको इससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ए सीरीज हमेशा से ही ऑफलाइन मार्केट में रहती है और थोड़ी सी महंगी देखने को मिल जाती है, तो एम सीरीज सस्ती है पर स्पेसिफिकेशन मामले में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों M31 में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वही सेल्फी की बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 6000 एमएच की बड़ी बैटरी, 15 वॉट का फास्ट चार्जर उसमें भी देखने को मिल जाता है, ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, प्राइस दोस्तों 15000 के आसपास उसकी देखने को मिल जाती है, 6GB 128GB वेरिएंट। अब दोस्तों ये इंडिया में क्या प्राइस के साथ लॉन्च होता है देखने की बात होगी, क्योंकि दोस्तों सैमसंग अभी लगातार मोबाइल पे मोबाइल लॉन्च कर रहा है और सैमसंग की दो सीरीज इंडिया में बहुत ही ज्यादा चलती है, सैमसंग ए सीरीज और सैमसंग एम सीरीज। एम सीरीज ने दोस्तों बहुत ही अच्छा कमाल किया है ऑनलाइन मार्केट में और ए सीरीज दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाई है, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है और लोगों को पसंद भी आती है दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन में भी सैमसंग का बहुत ही अच्छा रुतबा है और अच्छे प्राइस में मोबाइल सेल होते हैं, सैमसंग की प्राइस ज्यादा होती है फिर भी दोस्तों सैमसंग को बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में सैमसंग अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें दोस्तों ये मोबाइल हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर एम सीरीज के साथ जाना चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दूं एम सीरीज और ए सीरीज में से सबसे बेहतर सीरीज आपको ए सीरीज होती है, क्योंकि सैमसंग के जो एम सीरीज के मोबाइल है उसमें परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक देखने मिल जाती है, पर वो लॉन्ग लाइफ नहीं होते, ज्यादा यूज करने के बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि ए सीरीज है वो बहुत ही बेहतर है। आपको एक एग्जांपल भी बता दूं, सैमसंग की जो A40 में आपको प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 665 और वही प्रोसेसर दोस्तों 770 सीरीज में भी देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के मामले में जो A71 है वो बहुत ही जबरदस्त है,
बल्कि दोस्तों A41 में वही प्रोसेसर है पर बहुत ही ज्यादा लैग्स देखने को मिलते हैं गेमिंग के हिसाब से, और टेलीविजन में भी बहुत ही लैग देखने को मिलते हैं, और प्राइस का डिफरेंस भी बहुत ही ज्यादा है। तो उस हिसाब से दोस्तों प्रोसेसर सेम होने के बावजूद भी लैग्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यही दोस्तों सैमसंग के मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि एम सीरीज और ए सीरीज में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि दोस्तों अगर सैमसंग के आप लवर है तो आप ए सीरीज के मोबाइल परचेज कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर होते हैं और कमाल के मोबाइल होते हैं, जिनका जो हार्डवेयर होता है बहुत ही कमाल का होता है, सॉफ्टवेयर भी बहुत ही कमाल का होता है, और जल्दी ही आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा जो कि सैमसंग A31 है, लॉन्च होने वाला है। आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर आपको डेली देखने को मिल जाएंगे।